नमस्कार दोस्त, आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। किन वजहों से मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, भारत में इसका कितना खतरा है और भारत में इसके कितने केसेस आए हैं, तो आइए जानते हैं। मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। यह खतरनाक बीमारी अब तक दुनिया के 70 से अधिक देशों में फैल चुकी। इसको लेकर WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस के मुताबिक मंकी पॉक्स के अभी तक 16,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इन खास वजहों के चलते मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। नंबर एक, WHO के महानिदेशक के मुताबिक यह कदम उठाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है उन देशों में पहुंचना जहां डॉक्टर टेड्रोस के मुताबिक कई ऐसे देशों से जानकारी सामने आई है जो बहुत चौंकाने वाली रही। इनमें से कई देशों में ऐसे मामले कभी नहीं देखे गए थे। वजह नंबर टू, WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस के मुताबिक किसी बीमारी का ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के लिए 3 क्राइटेरिया है। मंकी पॉक्स को लेकर ये तीनों क्राइटेरिया पूरे होते हैं। वजह नंबर तीन, इसके अलावा इमरजेंसी कमेटी ने इस बार बीमारी को लेकर चिंता बताई थी। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि जब हम पिछले महीने मिले थे 47 देशों में केवल 3,040 केस ही थे। इस पर न सिर्फ देशों की संख्या बढ़ चुकी है बल्कि सिर्फ एक महीने के अंदर केसेस की संख्या बढ़कर 5 गुना हो चुकी है। वजह नंबर चार, चौथे कारण की तरफ इशारा करते हुए WHO चीफ ने कहा कि मंकी पॉक्स को लेकर वैज्ञानिक सिद्धांत, सबूत और अन्य जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं है। टेड्रोस ने कहा कि संक्षेप में हम एक ऐसी महामारी का सामना कर रहे हैं जो संचरण के नए माध्यमों के जरिए तेजी से दुनिया भर में फैल गई। इस रोग के बारे में हमारे पास काफी कम जानकारी है और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमन की अहर्ता को पूरा करता है। वजह नंबर पाँच, पांचवी वजह, इंसान के स्वास्थ्य को खतरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलती बीमारी और अलग अलग देशों तक हो रहा फैलाव है। WHO मुखिया ने बताया कि यह वजह रही कि मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया। भारत में अभी तक केरल में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए हैं। 3 मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। इसके साथ ही भारत में एयरपोर्ट पर निगरानी का फरमान जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह तीनों ही मामले दूसरे देशों से लौटे यात्रियों के हैं। गौरतलब है कि इस रोग को वैश्विक आपात स्थिति घोषित करने का यह मतलब है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप एक असाधारण घटना है। यह रोग कई अन्य देशों में भी फैल सकता है तथा एक समन्वित वैश्विक प्रक्रिया की जरूरत। गाइस, ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें।